हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीजन का फर्स्ट सरसों साग से, जो मैं आज बना रही हूँ। मैंने अच्छे से वॉश करके चॉपिंग कर ली है और इसमें नमक और जिंजर का मैंने क्रस्ट करके रखी हूँ। और ये जब दो तीन सीटी के बाद जब उबल जाएगा तो फिर इसको मिक्सी में पीस के तड़का लगा देंगे। आपको मेरी इस फुल रेसिपी जानना हो तो मुझे कमेंट करना। इधर मलाई है, बैंगन है और दूध है। दूध का मैं दही बनाऊँगी इसलिए मैं गर्म कर रही हूँ, और मलाई जो रखी उसके मैं घी बना लूँगी। बैंगन भाजा के लिए मैंने रखा हुआ है तो वो मैं सुबह का ये सब तैयारी मैं कर चुकी हूँ। और फटाफट ये करने के बाद मैं नहा धो के और चली गई हूँ पार्क, जो कि मेरा फेवरेट जगह बनते जा रहा है। यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फैमिली वाले लोग होते हैं, चूँकि मैं घर में अकेले होती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है पार्क में जाना। आज मैं थोड़ा पहले आ गई थी ताकि मैं बोर होने से बच जाओ घर में बैठे बैठे। दिवाली की सफाई चल रही है तो थकान भी होती है, पर मैं जाती हूँ पार्क क्योंकि मुझे पार्क जाना पसंद है। यहाँ पर जो दादाजी होते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन के साथ वॉक करते हुए, मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने बच्चे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की याद दिलाती है। और यहाँ पर बहुत से यंग बच्चे भी होते हैं जो जिम के लिए आते हैं, जिम मतलब एक्सरसाइज के लिए आते हैं, फैमिली वाले होते हैं। तो मैं भी अपना पूरे सफाई के बीच में से अपने लिए टाइम निकाल के मैं यहाँ पार्क में आ जाती हूँ ताकि मैं अपने लिए एक घंटे दे सकूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हर कोई अपने लिए एक घंटे टाइम निकाले और वो अपने आप को हेल्दी रखे, क्योंकि आप जितना खुश रहोगे आप अपने फैमिली में वैसा ही खुशियाँ बांटोगे। तो इसलिए अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, वॉक करिए, योगा करिए, जो आपको पसंद आता है करिए, और इस तरह से खुश रहिए। हमेशा खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। बाय बाय।